हमने दोनों हाथों को रस्से से बांध कर, ऐसे लोहे का खम्भा था उसमें क्या नाम है, दोनों हाथ पीछे करके मुझे बांध दिए थे। उसके बाद उन्होंने कम से कम मुझे बहुत कोड़े मारे, फिर कोड़े मार कोड़े से पिटाई करते थे जी सर, कोड़े हर दो दिन पे या मतलब छोटी सी भी जैसे गलती हो जाती थी जरा सी भी, तो उसके बाद तुरंत कोड़े मार कोड़ों से मारते थे। उसके बाद उनके पास प्लास्टिक की पाइप थी, जो फाइबर पाइप होती है जिसे जो ऊँट होते हैं उनको मारा जाता है, उससे भी मुझसे मारते थे। और मतलब मेरे हाथों पे, मेरे पीठ पे मतलब बहुत ज़्यादा क्या नाम जख्म के निशान थे, और लोग दवा भी नहीं मतलब देते थे, इतना प्रताड़ित करते थे कि धूप में भी मतलब काम कराते थे और बोलते थे कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा पानी भी नहीं पीना है। मतलब काम कराने के बाद पानी तक भी नहीं देते थे जी? नहीं, वो लोग बोलते थे कि मतलब मुझे बोलते थे कि ये पैसा मांगता है हमेशा, और इसको सबसे ज़्यादा काम कराओ और जब काम ख़त्म हो जाए तभी इसको पानी देना, नहीं तो इसको पानी मत दो। और जैसे मैं कभी कभी जैसे प्यास लगती थी मैं पानी जाके ले लेता था, पी लेता था, तो उसके बाद भी मुझे वो लोग मतलब वही कोड़ों से, डंडों से, फिर लात घूसों से पीटते थे। अगर आप भी विदेश कमाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि आपको इनकी कहानी सुनकर रो देंगे। ये सच्चाई है जो इनके ऊपर, विपिन जी के ऊपर बीती है। विपिन जी जो कि कमाने के लिए सऊदी अरब गए थे और इनके साथ इतनी प्रताड़नाएँ दी गई इनको कि यह हर दिन जो है मौत से जंग लड़ते थे। विपिन जी, आप गए थे सऊदी अरब, क्या घटनाएं हुई थी आपके साथ? जी, वहाँ पे मैं पैसे कमाने के लिए गया था और यहाँ पे एक एजेंट था गोरखपुर का, फारूक, जिसने कि मोबाइल द्वारा जिससे कि हमारी बात हुई थी, सोशल मीडिया से संपर्क में मैं लगभग उससे आया था। और तो वो बोला कि ऐसा है विपिन भाई कि अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो हमारे पास आपको भेजने के लिए काम है। तो वैसे भी मैं काफ़ी परेशान था, तो मैं सोचा ठीक है मैं वहाँ पे जाता हूँ, कुछ पैसे कमाऊँगा, उसके बाद घर वगैरह बनेगा। तो मैं बोला ठीक है। तो बोला कि विपिन भाई वहाँ जाने के लिए आपको 1-1.25 लाख रुपये लगेंगे। तो मैं बोला कि इतनी तो बहुत बड़ी रकम है। तो वो बोला कि विपिन भाई आपको 35,000 रुपये भी मिलेंगे और आप ओवर टाइम वहाँ पर काम करेंगे तो आप 50,000 कमा सकते हैं और 2-3 महीने में आपका कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर 2-3 साल 5 साल आप वहाँ रहेंगे तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो मैं सोचा कि ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने एक मित्र से बात की, जो कि हमारा मित्र सऊदी अरब से 6 साल वहाँ पर काम करके लौटा था और वो काफ़ी पैसे कमाया हुआ था, लेकिन वो हमारा मित्र कंपनी में काम करता था। तो हमने उससे पूछा कि वहाँ पे सऊदी अरब में क्या कैसे है, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला कि यार अपने इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं वहाँ पे न्यूज़ वगैरह में। तो बोला कि नहीं, अगर आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उस एजेंट से, अपने मित्र से बात कराई, तो एजेंट ने भी हमारे मित्र से बात की, तो हमारे मित्र जो कि वही दूसरे कोई उनका था रिलेशन का, उससे कर्ज लेके हमारे मित्र बोले कि ठीक है, उन्होंने उसे पैसे ट्रांसफ़र किए, जिसका ऑनलाइन सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है, तो उन्होंने ट्रांसफ़र किए। और फिर वो बोला कि ठीक है, हम का वीज़ा लगवाते हैं और फिर इनको भेजते हैं। तो हमारे मित्र बोले ठीक है, आधा पैसे उन्होंने दिए थे, फिर पूरा पैसे उन्होंने दिए जब टिकट हमारा आ गया। तो उसने वीज़ा स्टाम्प करवाया था, तो जब वीज़ा पे वहाँ पे लिखा था कि मतलब आप इस काम के लिए, तो हमने उससे पूछा कि वहाँ पे ऑफिस काम ही ना, बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे जब आपको ऑफिस काम ही मिलेगा। तो यहाँ से मैं मुंबई गया और फिर मुंबई से मेरी फ़्लाइट थी, मुंबई से फिर मैं सऊदी अरब पे निकला। वहाँ पे मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे वहाँ जो मालिक था सऊदी अरब का, उसका नंबर दिया हुआ था, तो वहाँ पे टैक्सी वाले को मैंने नंबर दिया, फिर टैक्सी वाले ने बात की हमारे मालिक से, फिर वो टैक्सी वाला हमें बिठा के वहाँ पे ले गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो गया कि वहाँ पे ना तो कोई ऑफिस था, ना कुछ था, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ रेगिस्तान, ऊँट और बकरियाँ। मैं सोचा कि ऑफिस ये तो है ही नहीं, ये मेरे साथ हो क्या गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया क्या, मेरे मन में ये पहले शंका जागने लगी। और कुछ ही समय बाद वो शंका मेरी सही हो गई, क्योंकि जैसे ही मेरा मालिक आया तो वो बोला कि अपना पासपोर्ट मुझे दो। तो मैं हैरान हो गया कि मेरा पासपोर्ट ये क्यों मांग रहा है। तो लेकिन वहाँ पे एक इंडिया जो काम करने वाला था वो बोला कि अपना पासपोर्ट दे दो, हाँ फिर जब तुम घर जाने लगोगे तो तुमको पासपोर्ट दे देंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो जो इंडिया का आदमी था वो भी वहाँ पे
करीब 3-4 साल से वो भी फंसा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने सबको डरा के रखा हुआ था। तो वो भी सामने था, तो वो इंडिया वाले से अरबी भाषा में बोला, तो जो मैं इंडिया जो काम करते थे उन्होंने हिंदी में बोला कि अपना पासपोर्ट नहीं दे दो, हाँ और डरो मत, जब जाने लगोगे तो तुम्हें पासपोर्ट दे देगा, क्योंकि मुझे उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई। अब दिक्कत ये हुआ, फिर हमने उसको पासपोर्ट दिया, तो जब दिया पासपोर्ट तो फिर हम वो पासपोर्ट लेके अपने रूम में चला गया। फिर मैंने इंडिया वाले से पूछा कि भाई यहाँ पे मुझे ऑफिस काम के लिए, ऑफिस कहाँ है? तो बोला अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बोला हुआ क्या भाई? तो बोला कि अरे हम लोग खुद ही फंसे हुए हैं, तुम यहाँ पे क्यों फंसने आ गए? मैं बोला भाई मुझे तुम पता ही नहीं था यहाँ पे, मतलब मुझे ऑफिस काम के लिए भेजा था, यहाँ पे फंसने वाली कौन सी बात है? बोला भाई 3 साल से हम लोग खुद पेमेंट नहीं पाए हैं, हाँ और यहाँ पे पहले से ही कम से कम 10 बार लोग फंसे हुए हैं, और तुम यहाँ पे कैसे फंस गए? बोला भाई मुझे भाई बोले हैं कि 30-35 हज़ार रुपये मिलेगा, और ओवर टाइम करके आपको 40-50 हज़ार रुपये मिलेगा। बोले भाई यहाँ पे एक पैसे भी नहीं दे रहे हैं लोग, और ऊपर से हम लोगों को मारते पीटते हैं, हाँ। तो मैं बोला कि तो मैं फंस गया, फिर मैं लगा वहाँ पे इनकी बातें सुन के, मुझे मतलब मैं रोने लगा। तो बोला भाई अब यहाँ पे फंस ही गए हो, अब कैसे यहाँ पे, मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना भी, क्योंकि ये लोग माफिया टाइप के होते हैं। तो मैं बोला अरे भाई मैं कहाँ फंस गया, मतलब मैं यही सोचा था कि अब तो मैं, मतलब बड़े अजीब मन में ये उलझन हो रही थी कि अरे कितनी अच्छे से मैं घर पे था, हाँ जो भी 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा था, कहाँ से मैं ये सऊदी अरब चला आया, फंस गया। तो मतलब उसके मोबाइल से मैंने हॉट स्पॉट लिया, और क्योंकि सिम नहीं चल रहा था तो हॉट स्पॉट लेके मैंने अपने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, और लगा मैं रोने। तो फिर मेरे जो दोस्त था जिसने पैसे दिए थे, तो वो तुरंत जो एजेंट था उसको फ़ोन किया, तो एजेंट बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वहाँ पे अब इस काम के लिए मैं तुमको भेजा था, लेकिन गलती से तुम दूसरे जगह चले गए। फिर मुझे इतना गुस्सा आया, और फिर मैंने उसको बहुत गाली उली दी, और मेरे दोस्त ने भी उसको गाली दिया। तो बोला कि अरे भाई मैं इनको जल्दी ही वहाँ से निकाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। मैं बोला भाई तुम मुझे यहाँ फंसा के बोल रहे हो कि मैं निकाल लूँगा, हाँ, और मेरा तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बोला कि जैसे लाखों लोग फंसे हैं, मैं मेरा भी तो नाम उसी में आ गया कि हाँ मैं भी फंस गया। और मैं उसे बोला कि भाई यहाँ ये लोग 3-3 साल से पेमेंट नहीं पाए हैं। तो वो बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पेमेंट दिलाऊँगा हर महीने। तो मेरे दोस्त ने बोला कि विपिन एक काम करो कि तुम कैसे भी 1-2 महीने यहाँ पर निकालो। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, अब तो मैं फंस ही गया हूँ, तो अभी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि भारत देश भी नहीं कि यहाँ पे ट्रेन पकड़ो चले जाओ, या तो मैं कैसे भी करके भाग जाऊँ, बिना फ्लाइट के वहाँ से आ नहीं सकते, और रेगिस्तान में मैं भागूंगा कहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है, और उनके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, और वो गाड़ी होती है कि जो रेत में भी 100-200 की स्पीड में चलती है। अब मैं कितना भागूंगा, कहाँ तक भागूंगा, वो लोग मुझे पकड़ भी लेंगे। तो मेरे मन में यही सब ख्याल आ रहे थे। और फिर मैंने 1 महीने काम किया, और अपने घर पे मैं बात भी करता था, मैं घर वालों को कभी कुछ बताता भी नहीं था कि हाँ मैं फंस गया हूँ, नहीं तो लोग क्या नाम है गांव में हंसी भी लेते हैं कि हाँ ये बाहर गया था कमाने, हाँ ज़्यादा पैसे कमाने गया था, फंस गए हो। मैंने अपने मन की बातें अपने मन में ही रखी, और जो मेरे दोस्त थे बस उनको ही पता था, और मैंने भी उन्हें मना किया था कि आप किसी को मैं बताइए, नहीं तो हमारी भी बेइज्जती होगी, आपकी भी बेइज्जती होगी, हाँ अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर 2 महीने हो गया, और घर से मुझे फ़ोन आने लगा कि कुछ पैसे चाहिए, और मेरे दोस्त ने भी बोला कि आप पैसे के लिए बोलिए, क्योंकि जिससे हमने पैसे लेके दिए हैं उसको, उसे उसका जी हाँ थोड़ा पैसे उसको देने हैं हमें। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने अपने मालिक से पैसे मांगे, तो वो बोला कि ठीक है आपको 10 दिन में पैसे मिलेंगे। फिर मैंने 10 दिन बाद उससे बोला, तो फिर वो बोला कि हाँ ठीक है 1 महीने बाद मिलेंगे। इतने फिर 2 महीने के साथ 3 महीने भी पूरे हो गए। फिर मैंने उससे पैसे मांगा, तो फिर वो बोला कि यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, मौत मिलेगी। तो फिर मैं फिर लगा रोने, और मैंने अपने दोस्तों को अपने वीडियो शेयर किए, बोला कि ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर मेरे दोस्त ने एजेंट से बात की, एजेंट ने बोला कि मैं तुमको वहाँ से बाहर निकालता हूँ, हाँ। लेकिन उसके बाद फिर एजेंट ने अपना नंबर भी बंद कर दिया, और जब उसने अपना नंबर बंद किया उसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, हमारा ना हमारे दोस्त का। तो फिर अब ये पूरा भरोसा हो गया कि हाँ मैं पूरी तरीके से फंस गया हूँ। फिर मैंने अपने मालिक से बोला कि वहाँ पे इंडिया में मेरे माता पिता को पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो वो लोग बोले कि तुम्हारे
माता पिता मर जाए, कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तुमको यहाँ से इंडिया जाने नहीं देंगे ना तो पैसे देंगे। उसके बाद मैंने उनसे हाथ जोड़ के उनके पैर पड़ के उनसे बहुत विनती की, तो फिर उन लोगों ने मुझे लात घूंसे से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे दोनों हाथों को रस्सी से बांध कर, ऐसे लोहे का खम्भा था उसमें क्या नाम, मेरे दोनों हाथ पीछे करके मुझे बांध दिए थे। उसके बाद उन लोगों ने कम से कम मुझे बहुत कोड़े मारे, फिर कोड़े मार कोड़े से पिटाई करते थे जी सर, कोड़े हर दो दिन पे या मतलब छोटी सी भी जैसे गलती हो जाती थी जरा सी भी, तो उसके बाद तुरंत कोड़े मार कोड़ों से मारते थे। उसके बाद उनके पास प्लास्टिक की पाइप थी, जो फाइबर पाइप होती है जिससे जो ऊँट होते हैं उनको मारा जाता है, उससे भी मुझसे मारते थे। और मतलब मेरे हाथों पे, मेरे पीठ पे मतलब बहुत ज़्यादा क्या नाम जख्म के निशान थे, और लोग दवा भी नहीं मतलब देते थे, इतना प्रताड़ित करते थे कि धूप में मतलब काम कराते थे और बोलते थे कि जब तक तो काम खत्म नहीं हो जाएगा पानी भी नहीं पीना है, मतलब काम कराने के बाद पानी तक भी नहीं देते थे जी। नहीं, वो लोग बोलते थे कि मतलब मुझे बोलते थे कि ये पैसा मांगता है हमेशा, और इसको सबसे ज़्यादा काम कराओ और जब काम ख़त्म हो जाए तभी इसको पानी देना, नहीं तो इसको पानी मत दो। और जैसे मैं कभी कभी जैसे प्यास लगती थी मैं पानी जाके ले लेता था, पी लेता था, तो उसके बाद भी मुझे वो लोग मतलब वही कोड़ों से डंडों से फिर लात घूंसों से पीटते थे।